सो गाइज, अभी लोग हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए इंडिया गेट। और नहीं है, मैं और रिक्की जाएंगे स्कूटी पर, बाकी सब कार से आएंगे। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, तो हम दिल्ली के नज़ारे स्कूटी से लेंगे। नहीं आती यहाँ पर है। ये सब आर्मी क्वार्टर्स की बिल्डिंग्स हैं। और नियति और सायरा दोनों आगे खड़े होके बोल रही हैं हमें स्कूटी पे एक राउंड लगवाओ, तो रिक्की उनको राउंड लगवा रहे हैं दोनों को। देखो कैसे खड़ी हैं दोनों। एंड हेयर इज माई फैमिली, माई सिस्टर इन लॉ एंड उनके हस्बैंड और मम्मा, उनकी दो बेटियां अनायरा और सायरा, ये मेरे हस्बैंड रिक्की। वैसे तो मेरे हस्बैंड का नाम गौरव है, बट मैं उनको निकनेम से बुलाती हूँ, रिक्की के नेम से, मुझे वो पसंद है। और ये रही देखो दिल्ली की सड़कें, थोड़ा रश कम है। और ये मैंने कैप्चर किया था क्योंकि यहाँ पर हमारा तिरंगा लहरा रहा था और इसको देख के एकदम दिल गदगद हो रहा था। सो हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया गेट और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। बच्चों को तो अभी पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो तो अपने दोनों एक्साइटमेंट में रहते हैं। और यहाँ पर सब पहुंच भी गए हैं। और ये देखो हमारा क्यूटी पाई, ये अपने ही इसमें है। और मम्मी और निकल रहे हैं, पानी की बॉटल ले रहे थे सबके लिए। तो चलो अभी चलते हैं। हम लोग भी फर्स्ट टाइम इंडिया गेट आए हैं और हमारा हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया गेट। और मम्मी टाइम कितना हो गया? हाँ 6:38 हो रहे हैं। और मौसम भी अभी ठीक हो गया, धूप कम है। धूप तो खैर चली गई है, अभी शाम हो गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो जी अजी ने करी शाम। एंड ये देखो रिक्की के एक्सप्रेशंस। यहाँ पर रिक्की ना थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे हम लोगों के साथ, फैमिली टॉक। तो देखो इनके एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। सो हम लोग बस चाल चल रहे हैं अंदर की साइड। और बहुत ज़्यादा रश था गाइस, बहुत ज़्यादा रश था। और ये इतनी लंबी लाइन जा रही है और बहुत ज़्यादा रश है ना दीदी। और ये रहा हमारा जो हम देखने के लिए आए थे इंडिया गेट। ये सब कहाँ चले गए? और हम लोग कर रहे हैं अपनी एंट्री। इतना ज़्यादा रश था, बहुत लंबी लाइन थी। और हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोगों ने अपना आई कार्ड दिखा के एंट्री कर ली थी, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया था आर्मी से बिलोंग करने का यहाँ पर। तो हम लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी, लाइन में नहीं लगना पड़ा हम लोगों को।
प्रतीक है और उसकी अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की रूपरेखा चार संकेंद्रीय विधों पर आधारित है, जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात आप नेक्स्ट स्टॉप के समारोह को देखेंगे। जय हिंद। वॉर के टाइम जो जवान हमारे शहीद हुए थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। ये इमारत उन्हीं की यादगार में बनाया गया है, तो बहुत अच्छा लगा हमें ये देख के, क्योंकि हम लोग खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो वो फीलिंग हम समझ सकते हैं। नहीं तो गिरना जाना। ये सब शहीदों के नाम लिखे हुए हैं ना। सो हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं और शाम के टाइम आए थे। अभी हल्का हल्की रात हो गई है और इस टाइम तो अंधेरा जल्दी होने लगा है, तो हमें तो इस टाइम देख के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि व्यू बहुत अच्छे आ रहे थे, बहुत अच्छी लाइटनिंग हो रखी थी, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और इतनी पब्लिक थी तो इसका मतलब रात को ही देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब पता नहीं दिन में कितना अच्छा लगता है, और इतनी धूप भी होती है तो दिन में तो क्या ही आते होंगे पब्लिक, यहाँ पर रात को ही आती होगी। तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा रश था, आप खुद देख सकते हो कितना कैमरा में मैं जितना कैप्चर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ बच्चे देखो अपनी लाइन लगा कर एक के पीछे एक लाइट्स के ऊपर चल रहे हैं, बच्चे अपना खेल कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। हमें रात हो गई है तो हमारी फ़ोटोज़ वगैरह भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आ रही हैं, तो फ़ोटोज़ तो रहने देंगे, खाली ब्लॉगिंग के लिए वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही प्यारी जगह है, हम लोग बाहर ही आ गए। बाहर नहीं आए दीक्षा, उस गेट के लिए यहीं से रास्ता है। अच्छा, वो रास्ता था सिर्फ उसके लिए, समागम देखने के लिए। फोटोज में तो छोटा सा लगता है कि सच में पास में आके इंडिया गेट कितना बड़ा लग रहा है देखने में। और अंधेरा हो गया है और मैं अकेली हूँ, बाकी सब पता नहीं इधर उधर चले गए हैं, कोई भी नहीं मिल रहा मुझे। अभी कॉल करके पता करती थी वो लोग हैं कहाँ पर। गाइस ब्यूटी तो अलग अलग है, लेकिन ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, चांद हमारे चांद देवता, आज फुल मून है ना क्योंकि आज पूर्णमासी है। सो गाइज आ गए हैं हम इंडिया गेट से वापस, काफ़ी अच्छा लगा हमें देख के। तो बस अभी हम जा रहे हैं एक अच्छा सा डिनर के लिए, और बच्चों के साथ तो आपको पता है कैसा होता है माहौल। तो बस अभी हम लोग डिनर करेंगे यमी सा, और बस आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए और स्वस्थ रहिए। मामी आज से भी आगे बढ़ गए, अब तो मामी से पीछे रह गए। यहाँ कंपटीशन चल रहा था कि सबसे देर तक मुंह में आइसक्रीम कौन रखेगा, तो सायरा उसी की बात कर रही है।